दोस्तों कहानी की शुरुआत पॉल और एबी नाम के कपल से होती है, जो कि शहर से दूर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो इन्हें रियल एस्टेट के एजेंट से पता चलता है कि स्मार्ट होम है, जिसमें मौजूद इलेक्ट्रिक चीजों को ये मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। अगली सुबह एबी काम के लिए एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में जाती है। सीईओ एबी को प्रोस्थेटिक लैब में ले जाता है और सबको बताता है कि एबी अब से इस डिपार्टमेंट की हेड है। जाने से पहले सीईओ एबी को अपने घर शाम की पार्टी में इन्वाइट करते हैं। साथ ही कंपनी एबी के घर कार और गिफ्ट भी भेजती है। घर पहुंचकर पॉल और एबी कंपनी से भेजे गए पैकेज को खोलते हैं, जिसमें टिम नाम का एक रोबोट था। एबी पॉल को बताती है कि हमारी कंपनी इसी पर वर्क कर रही है, इसलिए डिपार्टमेंट के लोगों को इसे टेस्ट करने के लिए दिया गया है। पॉल को ये रोबोट कुछ खास पसंद नहीं आता। कुछ देर के बाद दोनों तैयार होकर सीईओ के घर जाते हैं। यहाँ टिम जैसे और भी कई रोबोट्स काम पर लगे थे। सीईओ एबी से टिम के बारे में पूछता है। इस पर एबी कहती है कि पॉल नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा आए, इसलिए वो टिम से खुश नहीं है। ये सुनकर सीईओ एबी को समझाते हैं कि ये सब टेस्टिंग के लिए बस। इसके बाद सीईओ बाकी डायरेक्टर से एबी की मुलाकात कराता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एबी रोबोट्स के लूप एरर्स को ठीक करने में माहिर है। पार्टी से घर आने के बाद एबी और पॉल जब रूम में रोमांस कर रहे होते हैं तो टिम आ जाता है, जिसे देखकर दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं और एबी टिम को रूम से बाहर भेज देती है। अगली सुबह एबी से मिलने उसकी पड़ोसन रोज आती है। बातों के दौरान एबी पॉल के बारे में भी बताती है, जिस पर रोज कहती है कि हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है। एबी को पॉल ने ये नहीं बताया था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता है। रोज एबी को अपना फोन नंबर देकर जब यहाँ से चली जाती है तो एबी पॉल से कहती है कि तुमने मुझे रोज के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर पॉल कहता है कि हमने बस एक हाय हेलो की थी। इसी दौरान टिम खाना स्मेल करने लगता है। ये देखकर एबी पूछती है कि क्या तुम स्मेल कर सकते हो। टिम बताता है कि मेरे अंदर लगे कुछ सेंसर्स की मदद से मैं चीजों को सूंघ सकता हूँ। यहाँ टिम एबी से पासवर्ड और ईमेल वगैरह मांगता है, जिससे वो खुद ट्रांजेक्शन कर सके। पॉल को टिम पर भरोसा नहीं था, लेकिन एबी उसे एक मौका देना चाहती थी, इसलिए एबी की बात मानकर पॉल सारा एक्सेस टिम को दे देता है। रात को जब एबी और पॉल रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं तो टिम भी इनके पास आकर बैठ जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद पॉल तो सो जाता है, लेकिन एबी और टिम बातें करते हैं और एबी टिम के पूछने पर उसे प्यार के बारे में बताती है। एबी की बातें सुनकर टिम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एबी इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन जब एबी ऑफिस से घर आती है तो टिम बताता है कि पॉल का फोन काफी देर से अनरीचेबल बता रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन भी 1000 फीट दूर थी। ये सब जानकर एबी शक की नजरों से रोज के घर की तरफ देखने लगती है। रात को पॉल जब घर आता है तो एबी उससे सवाल करने लगती है। इस पर पॉल बताता है कि मैं काम के सिलसिले में शहर गया था, बैटरी डेड होने की वजह से तुम्हें बता नहीं पाया। साथ ही पॉल ये भी बताता है कि वो रोज के घर उसकी हेल्प करने के लिए भी गया था। पॉल को एहसास होता है कि एबी रोज को लेकर थोड़ा परेशान है, इसलिए वो एबी को ट्रस्ट करने के लिए कहता है। अगले दिन ये दोनों एक फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं और यहाँ फिर से एबी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रोबोट में आई खराबी के बारे में जानने के लिए घर जाकर एबी टीम के सामने कपड़े चेंज करती है और नेवी ब्लू और रेड में से एक ड्रेस चूज करने के लिए कहती है। टिम रेड कलर चूज करता है। एबी जब टिम से जिप लगाने को कहती है तो टिम मना कर देता है, लेकिन फोर्स करने पर टिम जब एबी के क्लोज जाता है तो उसे कुछ अलग फील होता है। इसी घबराहट में टिम से एबी की ड्रेस फट जाती है और लाइट ब्लिंक करने लगती है। ये देखकर एबी समझ जाती है कि टिम नर्वस हो गया, इसलिए वो टिम को रिलैक्स करने के लिए कहती है और सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद एबी और पॉल रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पॉल लंदन में मिली जॉब के बारे में बताता है, जिस पर एबी लंदन जाने से मना कर देती है क्योंकि लंदन यहाँ से 1 घंटा दूर था। पॉल भी एबी की बात समझ जाता है। अगले दिन एबी जब लैब में होती है तो वो ये सब बात नोटिस करती है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर लगाने से उनके हाथ की ग्रिप छूट जाती है। ये देखकर एबी का साथी इसे ठीक करने के लिए कहता है क्योंकि वही लूप एरर्स को देखती थी। एबी जब पॉल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है तो टिम एक्सेस की वजह से उसकी ब्राउजर हिस्ट्री पर नजर रखता है। घर आने के बाद एबी देखती है कि टिम पॉल के काम में उसका हाथ बटा रहा है। दोनों को साथ देखकर एबी को अच्छा लगता है, लेकिन तभी रोज पॉल के पास आकर उसके गाल पर किस करती है। ये देखकर एबी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए पॉल जब अंदर आता है तो वो रोज के बारे में बात करती है। एबी को नाराज देखकर पॉल समझ जाता है कि एबी रोज को लेकर खुश नहीं है, इसलिए वो एबी को भरोसा रखने के लिए कहता है। इसके बाद एबी पॉल को एक स्वेटर गिफ्ट करती है। अगले दिन एबी देखती है कि टिम फोन कॉल करने के लिए उसकी मिमिक्री कर सकता है। ये देखकर एबी थोड़ा सरप्राइज होती है। खैर, शाम के वक्त पॉल एबी को बताता है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट किया स्वेटर और टिम को सुबह से नहीं देखा, लेकिन एबी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ ही देर में टिम इन दोनों के पास आ जाता है। टिम कहता है कि मैं फैसिलिटी सेंटर में खुद को अपग्रेड कराने गया था, इसलिए मैंने ऑनलाइन नोटिस किया है कि एबी को डार्क कलर के बालों वाले आदमी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा हेयर कलर करवा लिया। इस पर एबी कहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही बन जाओ। अगले दिन ऑफिस में सीईओ एबी से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने हाथ के एरर को सॉल्व कर दिया था। एबी जब मार्केट जाती है तो उसकी मुलाकात रोज से होती है
और फिर दोनों ज्वेलरी स्टोर जाती हैं। यहाँ एबी को गोल्ड रोज नेकलेस अच्छा लगता है, लेकिन तभी पॉल यहाँ पर आकर एबी को बार में ले जाता है और बताता है कि लंदन वाली जॉब के लिए उसने हाँ कह दिया है क्योंकि उसे घर से काम करने की परमिशन मिल गई है। घर आने के बाद एबी अपनी वॉच देखती है और कहती है कि ये सही टाइम है और दोनों यहीं इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं टिम लैब में हाथ रिप्लेस करवा रहा था। पॉल एबी से कहता है कि हमें टिम की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉल को प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि टिम एक्सेस की वजह से इनकी सारी बातें सुन रहा है। घर आकर टिम एबी को नए हाथ की रिप्लेसमेंट के लिए थैंक्स बोलता है और उसे फुट मसाज देता है। अगले दिन एबी फैसला करती है कि वो टिम को इस घर से भेज देगी, लेकिन तभी टिम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है जिसे सुनकर एबी खुश होती है। टिम कहता है कि यह आपका फेवरेट सॉन्ग है और मैंने इसे 2 बार सुना है। इस पर एबी कहती है कि मैंने अभी सिर्फ इसे 1 बार ही सुना है। टिम बताता है कि टिम ने आपके अलावा भी उस इवेंट में जाने के लिए टिकट खरीदा था। ये सुनने के बाद एबी को लगने लगता है कि शायद पॉल रोज के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। अगले दिन एबी काम के सिलसिले में लंदन जाती है जहां इसके काम से खुश होकर इसे एक बुके दिया जाता है। इधर घर पर टिम पॉल को बताता है कि उसके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इस पर पॉल कहता है कि ठीक है, मैं कुछ समय के लिए खाली रूम में अपना ऑफिस शिफ्ट कर लूंगा। घर आने के बाद टिम एबी से बुके लेकर पॉट में लगा देता है और एबी के पूछने पर बताता है कि पॉल अपने कमरे में फोन चार्ज कर रहा है। साथ ही एबी कहता है कि आज पॉल रोज से मिलने उसके घर गया था। ये सुनकर एबी पॉल से बात करने ऊपर जाती है और देखती है कि जिस खाली रूम में इन दोनों ने नर्सरी बनाने का फैसला किया था उसमें पॉल ने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया है। ये देखकर एबी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन पॉल एबी को समझाते हुए कहता है कि टिम ने ही उसे ऑफिस शिफ्ट करने के लिए कहा था, पॉल रोज के घर नहीं गया था। इसलिए पॉल टिम को झूठा बताता है और कहता है कि टिम हमारे बीच दूरियां लाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन एबी को पॉल पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन एबी अलमारी में वही गोल्ड नेकलेस देखती है जिसे देखकर एबी को लगता है कि ये नेकलेस पॉल की तरफ से अपॉलोजी गिफ्ट है। वहीं पॉल को फूड डिस्पोजल में उसी स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं जो उसे एबी ने गिफ्ट किए थे। ये देखकर पॉल समझ जाता है कि ये टिम का काम है, इसलिए पॉल सीसीटीवी कैमरे की मदद से टिम पर नजर रखता है और देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को स्मेल कर रहा था, लेकिन पॉल को नहीं पता था कि टिम उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा है। पॉल एबी को टिम की सच्चाई बताना चाहता था, इसलिए वो कार लेकर यहाँ से एबी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में कार की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है और पॉल का एक्सीडेंट हो जाता है और कार की ये स्पीड टिम ने ही बढ़ाई थी। हॉस्पिटल में पॉल से मिलने एबी आती है और यहाँ पॉल एबी को सारी बात बता देता है और कहता है कि टिम ने ही तुम्हारा स्वेटर खराब किया है, उसने ही मेरा एक्सीडेंट किया। लेकिन एबी को पॉल की बातों पर यकीन नहीं होता। इधर घर पर रोज पॉल की तबीयत के बारे में पूछने आती है और टिम रोज को घर के अंदर बुला लेता है। अगले दिन एबी घर पर आ रही होती है कि रास्ते में रोज उसे रोक लेती है और बताती है कि कल मैं तुम्हारे घर आई थी। अभी रोज की बात पूरी नहीं होती कि तभी एबी की नजर रोज के गले में उसी गोल्डन नेकलेस पर पड़ जाती है, जिससे एबी रोज की बातें सुने बिना ही यहाँ से चली जाती है और उधर जाकर अलमारी में वो नेकलेस चेक करती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता। टिम भी एबी को एक क्लिप दिखाता है जिसमें पॉल किचन में रोज को किस कर रहा था और बताता है कि क्लिप तब की है जब आप लंदन गई थी। ये सब देखने के बाद एबी बहुत गुस्सा होती है और जब अगले दिन पॉल घर आता है तो वो यही वीडियो पॉल को दिखाती है, लेकिन पॉल कहता है कि ये मेरी वीडियो नहीं है। एबी नेकलेस को लेकर भी बात करती है, पॉल उस नेकलेस के बारे में भी नहीं जानता था। एबी पॉल को झूठा समझती है और उसे घर से निकाल देती है। पॉल शहर आने के बाद रोज को कॉल कर एबी का ध्यान रखने के लिए कहता है और यहाँ रोज बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर गई तो टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की। ये जानने के बाद पॉल एबी को कॉल कर सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है और घर आने के बारे में बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कॉल पर टिम ही है। टिम किसी बहाने से एबी को घर से बाहर भेज देता है और जब पॉल घर पर आता है तो टिम उस पर अटैक कर देता है और बेडरूम में ले जाकर बांध देता है। इसी बीच रोज घर आती है जिसे देखकर टिम उसे बताता है कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन रोज पॉल की आवाज सुन लेती है, लेकिन टिम उसे घर से भगा देता है और पॉल को पानी में डुबोकर मार देता है। रात को टिम एबी को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है और छुप छुप कर एबी को ड्रेस चेंज करते हुए देखता है। टिम और एबी जब साथ होते हैं तो टिम एबी को आई लव यू बोलता है, लेकिन एबी इसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन रोज एबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी जब उससे पॉल के साथ अफेयर की बात करती है तो रोज इससे साफ साफ इनकार कर देती है और यहाँ एबी को पता चलता है कि रोज को नेकलेस उसी के नाम से दिया गया है। घर आकर एबी पॉल की किसिंग वीडियो देख रही होती है कि तभी उसे लंदन वाला बुके देखता है, जबकि ये वीडियो तब की थी जब वो लंदन में थी। ये देखकर एबी को बहुत अजीब लगता है और फिर ये ज्वेलरी स्टोर में फोन करती है और यहाँ से भी एबी को पता चलता है कि नेकलेस टिम ने खरीदा था। एबी की नजर गार्डन के तीसरे पैच पर पड़ती है जिसे देखने के लिए एबी टिम को दूसरे घर भेज देती है और जब इस पैच की खुदाई करती है तो उसमें पॉल की लाश होती है। तभी टिम भी यहाँ पे आ जाता है। टिम की सच्चाई एबी जान चुकी थी, इसलिए वो घर के अंदर जाकर पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन टिम उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। घर की लाइट ब्लिंक होता देख रोज को कुछ शक होता है,
इधर घर पर टिम एबी को काफी टॉर्चर करता है, लेकिन तभी रोज कार से आकर टिम को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन टिम एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है। इसके बाद टिम की आवाज में रिकॉर्डिंग करता है कि एबी ने पॉल और रोज को मारा है और लास्ट में उसने खुद को भी खत्म कर दिया। टिम एबी को ऊपर से फेंकने वाला था कि तभी एबी टिम को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी बच जाती है। और आखिर में एबी की वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है जिससे एबी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।